एप्पल सैमसंग सभी कंपनी का सब चीज मिल जाए। भाई हो रखी है आज 23 तारीख और सुबह बज रही है 11:30। तो फिलहाल अब हम जा रहे हैं भाई हमारे मंदिर, मतलब जैन मंदिर जा रहे हैं आज। और नहाया धोया सुबह तक फटाफट जैन मंदिर जाते हैं। और भाई यहाँ पे आके ना महासेक बोलना पड़ेगा, अगर कोई जैन भाई आ रहे हैं जिनको जैन मंदिर जाना है ना, तो महासेक रोड बोलना पड़ेगा। वो महासेठ एट एट कुछ और बोलते हैं, कोई और जगह ले जाते हैं। अभी हमें आते रास्ता में छोड़ा उसने, फिर कुछ और जगह ले जा रहा था वो महासेक। तो हमने भाई ग्रैब कर लिया है, 100 हाथ में ग्रैब हुई है। और देखते हैं कितना का ग्रैब का सीन भी होता है, वो भी आपको बताएंगे कैसा सीन रहता है। चलो मिलते हैं। साउथ इंडियन वगैरह का मिलता है यहाँ पर, प्योर वेजिटेरियन है। वहीं पर बैठे हुए ऑर्डर किए हैं, देखते हैं क्या क्या। साउथ इंडियन के साथ और भी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, साउथ इंडिया के नाम से फेमस है। इडली सांभर बड़ा वगैरह टेस्ट करते हैं कैसा लगता है, इसमें बताते हैं आपको सभी चीज़। और फिर यहाँ से जाने का शायद देखते हैं कहाँ पर कैसे जाना है। ये कुछ सीन इंडियन रेस्टोरेंट है, भाई भी सामने बैठ के आ रहा है मुंबई से, वहीं पर काम करता है शायद। करते हैं बात, मिलते हैं आपसे। हमने जैसे रेस्टोरेंट में अभी खाना खाया ना, वेज रेस्टोरेंट, वो आपको बताता हूँ। वो है ये डीहाना भवन, डीहाना भवन पे अभी हमने खाना खाया। खाना सही था भाई, बड़े बहुत ही बेहतरीन थे, क्या बोलना। साउथ इंडियन के लिए फेमस है, मेनली साउथ इंडियन ही खाया, दूसरी चीज़ें ना टेस्ट करें। साउथ इंडियन खाओ भाई, साउथ इंडियन के लिए बहुत फेमस है, तो आओ साउथ इंडियन खाओ। तो जिस एरिया में हम है ना भाई, यहाँ पे पूरे में इंडियंस इंडियंस हैं, पूरा एरिया जो है ना 5-10,000 इंडियंस हैं यहाँ पे, पूरे एरिया में इंडियंस, जहाँ भी गली को जाना हो इंडियन पूरे भी INR में बात में नहीं है भाई। चलते वॉल स्ट्रीट के सामने आ चुके हैं। ये है भाई वॉल स्ट्रीट, टावर ऑफ बैंकॉक। तो भाई फिलहाल हम लोग आ चुके हैं लुम्फिनी पार्क, उसी दिखाते हैं लुम्फिनी पार्क का। काफी अच्छा, काफी शांत माहौल है यहाँ का, अच्छा लग रहा है बैठ के। बहुत ही भयंकर गर्मी हो रखी है भैया, गर्मी तो बहुत है, गर्मी बहुत भयंकर है भैया। अब बैंकॉक बहुत बढ़िया है भाई। ये जो झील है ना, ये बड़ी विचित्र टाइप की है, लग एकदम सादी सिंपल रही थी, सोचा था मछली अकेली होगी, देखा तो भाई 2-3 वो आ गई, बड़ी वाली लिजार्ड होती ना, मोनिटर लिजार्ड क्या बोलते हैं इनको, इतनी बड़ी बड़ी भाई, ऐसा लगा हम, मैं और अक्षय भैया बस नीचे इस साइड बैठे थे पानी के पास में, एकदम से आई भाई, दो फट गई हमारी। भाई फिलहाल हम आ चुके हैं MBK एक टाइप मॉल टाइप कह दो या कुछ कह दो, पैदल आए, हालत ख़राब हो गई है, मज़ा आया पर ठीक है, कुछ नहीं आ गए, ये कुछ अंदर जाने का देखते हैं क्या कैसा सीन होता है, मज़ा आ, मिलते हैं आपसे कुछ समय बाद। जो है ना ये MBK सिलेंडर बहुत बड़ा है भाई, वहाँ से हम आ रहे हैं एकदम लास्ट वाले कॉन्टे से, मतलब घड़ी मिल जाएगी आपको, कपड़े मिल जाएंगे, सब्जी मिल जाएगी, शूज़ मिल जाएंगे, पूरी एक्सरसाइज वगैरह जितनी भी आपको लगती है ना डेली यूज़ में सब मिल जाएगी यहाँ पे, सब बड़ी बड़ी कंपनी की मिल जाएगी। बस कॉपी मिलती है, फर्स्ट कॉपी मिलती है, ओरिजिनल भी मिल जाते हैं ऐसा नहीं, लेकिन ओरिजिनल लेना है ना तो शोरूम से ही जा रही है मेरी, यहाँ से आप नहीं मिलेगी, लेकिन कॉपी लेना तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं, सही रेट आपको मिल जाएंगे भाई। MBK पे ही है अभी और फोर्थ फ्लोर पे आ रहा, फोर्थ फ्लोर पे आके तगड़ी चीज़ मिलेगी,
ये देखो पूरे इलेक्ट्रॉनिक मार्ट रखे हैं, खरीदी कर ली है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक, पूरे जितनी भी चीज़ है ना भाई हर कंपनी का, एप्पल सैमसंग सभी कंपनी का सब चीज़ मिल जाएगी, हो सकता है कॉपी भी हो सकता है ओरिजिनल हो, है ना। तो भाई रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, ओरिजिनल लेना है तो शोरूम पे जाके लेना है, और यहाँ पे आके सब चीज़ ले सकते हो, कवर वॉल ले सकते हो, केस ले सकते हो, मतलब भाई अखंड वाला मार्केट है यार, अखंड मार्केट वाला सब कुछ मिल जाएगा। ले चुके हैं बहुत कुछ ले लिया हमने, है ना, बोलो उसके बाद में निकल। भाई आज के दिन जो गुजरा है ना अलग ही लेवल फाड़ गुजरा है भाई, बैंकॉक में सोचा नहीं था ऐसा फाड़ लेवल गुजरेगा, और अभी दो दो टुक टुक मिली ना, मैं दो टुक टुक वो एक भी लेवल फाड़ मिली ना, एक 300 वाट बोल रहा है, एक 400 वाट बोल रहा है, डरने बाद मतलब 300 वाट वाले थे हमने, 200 वाट में डट कर ली थी, वो भी 8 किलोमीटर कुछ था, यहाँ तक आना था हमें MBK मार्केट से भाई गोविंद ना आना था, गोविंद का इटालियन पिज़्ज़ा फेमस है, वीगन वेजिटेरियन मिलता है वहाँ पे प्योर, 400 वाट बोल रहे थे हम लोगों ने, जैसे तैसे जुगाड़ करके 200 वाट में दोनों के लिए डन कर दिया, ऐसा बहुत दिन 200 में 400 बोल रहे थे, 200 में डन किया, और उसके बाद में जाना है फटाफट खाओसान रोड जहाँ पे हमारा होटल है, पैदल ही पैदल चल गए अच्छे भैया के पाँव भाई उंगली में छाले हो गए, हार्डली वो चप्पल पहन के आए, क्या बोल रहा है वो ज़्यादा संग हो चुके हैं पर ये क्या करेंगे, 200 वाट से नीचे बांधते नहीं है, सोच रहा हूँ कि मैं भी चलाने लगूँ ये घूम घूम बढ़िया करके जाऊँगा, दिन का बहुत कमाऊँगा, घर में पैसे लाऊँगा, घर वाले भी खुश होंगे। चलने के बाद में देखते हैं, आते हैं, 11 बज चुकी है, 12 एक बजे तक माहौल चलेगा, वही 12 बज चुकी है, कपड़े वपड़े चेंज करके जा रहे हैं 7-11 की तरफ, आते हैं पानी की बोतल चिप्स के पैकेट वगैरह देखते हैं, कुछ अभी कुछ ऐसा वैसा खाया तो है नहीं, खाना खाए के निकले थे, जाते हैं भाई। भाई मतलब दो दिन से है ना इन्जॉय नहीं कर पा रहा नाइट लाइफ, कल भी मार्केट में थे और दूर दूर थे, मतलब सिटी में क्या थोड़ा ट्रैफिक में दिक्कत हो जाती है, पर और नहीं कर पा रहे हैं, तो जा रहे हैं 7-11 की तरफ, और कल रात में हमारी कुछ फ्लाइट है, और मिलते हैं आपसे, देखते कल बहुत ख़तरनाक प्लान बनाना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगी सारी चीज़ें, क्योंकि कल हमें जाना भी है और कल नाइट लाइफ एंजॉय भी करनी है, मिलते हैं देखते हैं, थोड़ा वो सीन तो दिखा दिए था, आ रहे थे वहाँ से, तो अब जाना 7-11 लेते हैं, पानी की बोतल चिप्स लेते हैं,
सामान हमने ऑलमोस्ट ले लिया है, पानी की बोतल कॉफी वाला फ्लेवर लिया था हमने स्टार्ट टाइम, और चलते हैं ऑलमोस्ट चीज़ें हमने ले ली हैं, लेस लिया था ये वाला ब्लू वाला पेन वाला, चलते हैं खावन हमारे लिए रखा हुआ है, सावन ले लिया, चलते हैं होटल और आज को ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, टाटा बाय बाय, टेक केयर।